अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक सन ब्लॉक की, जिसकी दो ट्यूब्स आप अपने सामने देख सकते हैं। साइन ऑफ शेड सन ब्लॉक है, जो कि आप देख सकते हैं SPF 100 प्लस है। ड्रामेटोलॉजिस्ट जो रिकमेंड करते हैं वो ये कहते हैं कि आप कोई भी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक क्रीम लोशन जो भी लगा रहे हैं वो 50 प्लस होना चाहिए। स्पेशली हमारा जो रीजन है पाकिस्तान, इंडिया और इस हमारी जो कंट्री है वहाँ पे धूप बहुत तेज़ होती है, तो और गर्मियों का आपको पता है ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबा होता है हमारे यहाँ। तो उसके लिए जब हम सन एक्सपोजर करते हैं या हम धूप में जाते हैं या इवन हम इंडोर भी होते हैं और हमें हीट जो है हमारे यहाँ बहुत प्रोलॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसके लिए 100 प्लस तो बेस्ट है। अच्छा जी, अब इसका जो है ना जो कुछ इसकी स्पेक्स हैं वो आप देख भी सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाटरप्रूफ है और नॉन ग्रीसी है, यानी इसको लगा के आपको स्टिकी नहीं फील होगा, फ्रेग्रेंस तो बिल्कुल नहीं है और वो नहीं भी नहीं चाहिए कॉस्मेटिक्स में, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है इसमें। और दूसरा ये कि इसलिए बचाता है आपको प्री मेच्योर एजिंग से। सन ब्लॉक तो वैसे भी इसलिए मशहूर है कि आप उसको लगाएं तो आपको झुर्रियाँ नहीं पड़ती, जो टैनिंग होती है या जो सूरज की वजह एक्सपोजर की वजह से आपको चेहरे पे झाइयाँ पड़ जाती हैं वो सब नहीं होता, तो सन ब्लॉक आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ये अप्लाई करना चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर ट्यूब है, ये दोनों ट्यूब सेम है, ये जस्ट तो एक थोड़ी सी बची है, एक में ज़्यादा है, ये बस ख़त्म होने वाली है ये वाली। तो इसमें थोड़ा सा पैकेजिंग कलर में आपको फ़र्क लग रहा होगा कि ये पहले की है और ये नहीं है। तो अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये आप मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ, ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहा है ये 60 ग्राम इसका वेट है और दोनों जो हैं वो सेम है, ज़ाहिर है SPF 100 है ये दोनों। और बिल्कुल इसको लगा के आपको ग्रीसी फील नहीं होगा, ऑयली अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि सनब्लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली फील होता है, तो ये ऑयली भी नहीं है। अगर मैं आपको इसको निकाल के चेक करवाऊँ तो ये आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखें, ये अगर थोड़ा सा मैंने आपको निकाल के ये देखें, इसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये जो एक सन ब्लॉक के बारे में, कुछ सन ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो लगाने के बाद सफ़ेद सफ़ेद सा फील होता है कि जैसे आपने कुछ लगाया हुआ है, वो भी इसके साथ मसला नहीं है कि आप लगाएंगे तो आपको सफ़ेदी और या कुछ इस तरह का फील होगा। ये देखें बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया है, पता भी नहीं चल रहा, और ग्रीसी नहीं है। इसके ऊपर अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र लगाना चाहें ठीक है, अदरवाइज़ ये मॉइस्चराइजिंग इट्सेल्फ काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, तो आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके ऊपर अगर गर्मियाँ हैं तो कॉम्पैक्ट पाउडर कोई भी अच्छा सा फेस पाउडर लगा लें तो ये बड़ा अच्छा आपको सिक्योर करता है धूप से। प्राइस की इसकी बात करें तो इसको मैंने अभी ऑनलाइन इसकी प्राइसिंग चेक की है तो 800 से 900 मतलब 1000 के अंदर ही है ये, और ये चल जाता है अगर आप डेली भी लगाएं तो एक महीना प्लस चल जाएगा ये। और सनब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे ये लगाएं या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से आप अपने पूछ के कोई सा भी सनब्लॉक यूज़ करें, बट लाजमी यूज़ करें क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और आपकी स्किन को बड़ा सिक्योर करता है डिफरेंट जो हार्मफुल रेज होती हैं, चाहे वो सूरज की हो या फिर इवन अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसकी रेज तो उनसे बचाता है। तो प्लीज़ मुझे बताएं अगर आपने ये वाला सनब्लॉक या कोई भी दूसरा सनब्लॉक जो आप यूज़ करते हैं तो आपको कौन सा पसंद है, जो आपकी स्किन पे सूट करता है, और क्या रीज़न है कि वो आपको पसंद है, उसका प्राइस क्या है, तो ये सब चीज़ें आप मुझसे ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। और ये सनब्लॉक अच्छा है तो आई थॉट कि मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ। इसके अलावा भी एक सनब्लॉक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ रिसेंटली, जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने एक मुझे रिकमेंड किया था, इंशाल्लाह मैं उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।